प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को पंजाब के फिरोजपुर में कथित कांग्रेस के नुमाइंदों के द्वारा रास्ते में रोककर उनके सुरक्षा घेरों को तोड़ने का कूट रचित प्रयास करने व लोकतंत्र के इतिहास में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी षड्यंत्र पूर्वक लापरवाही के विरोध में झुंझुनू शहर के गांधी पार्क में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा भाजपा जिला महामंत्री योगेंद्र मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष प्यारेलाल ढुकिया व नगर मंडल अध्यक्ष एवं जिला प्रवक्ता कमलकांत शर्मा के नेतृत्व में सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर मशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्यारेलाल ढुकिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को इस प्रकार षड्यंत्र पूर्वक रोकना वह उनकी सुरक्षा में खलल पहुंचाना देश को शर्मसार करने वाली घटना है। कमलकांत शर्मा ने कहा कि भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ इस प्रकार का षड्यंत्र पूर्वक खिलवाड़ देश के प्रत्येक नागरिक को नागवारा गुजारा है। भारतीय जनता पार्टी इस घटना की भर्त्सना करती है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की सर्वे सर्वा सोनिया गांधी व राहुल गांधी के द्वारा इस प्रकार के षड्यंत्र रचकर प्रधानमंत्री के सुरक्षा घेरे को तोड़ने का प्रयास लोकतंत्र के इतिहास में कलंक है। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा जिला मंत्री हनुमान सिंह, जिला मंत्री अर्जुन वाल्मीकि, डुमरा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष पुलकित जांगिड़, देवीपुरा मणि सरपंच प्रतिनिधि रजनीश पूनिया, भाजपा युवा मोर्चा आईटी सेल जिला प्रमुख मनीष सैनी, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता विजेंद्र गोदारा, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष शौकत अली चौहान आदि मौजूद थे। जनवरी 2022 का दिन देश के इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि देश के प्रधानमंत्री और वो भी नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में जो चन्नी सरकार द्वारा जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक जो चूक हुई है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा झुंझुनू द्वारा मशाल जुलूस प्रदर्शित कर विरोध किया जा रहा है। इस मौके पर मैं तो यही कहूँगा, इस तरह का जो जघन्य अपराध हुआ है, इसकी न्यायिक जांच हो, सही जांच हो, और जो भी दोषी है, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे वहाँ की चनी सरकार हो या मुख्य सचिव हो, उनको दंड मिले, ताकि इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति नहीं हो। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक होना पूरे देशवासियों के लिए दुखद घटना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी की पंजाब के अंदर जिस प्रकार से काफिले को रोककर षड्यंत्र पूर्वक तरीके से उनका अपमान करने का जो साहस कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा किया गया, भारत के इतिहास के अंदर कलंकित करने वाली ऐसी घटना जो कांग्रेस के नेताओं द्वारा षड्यंत्र पूर्वक तैयार की गई थी और उनके जत्थे को रोककर उनकी जो सुरक्षा है उसको भेदने का जो प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया गया था, उसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के द्वारा मशाल विरोध प्रदर्शन का आयोजन यहाँ पर गांधी चौक के अंदर किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के द्वारा किए गए इस कुकृत्य का घोर विरोध करती है, भर्त्सना करती है और निंदा करती है।